इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 34 इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 34 योशिया का किया हुआ सुधार और व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था और उससे न तो दहिनी ओर मुड़ा और न बाई ओर, वह लड़का ही था। अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा और बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली और अशेरा नाम और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छित्रा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे और पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। यो उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शे, एप्रेम और शिमोन के बरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला और इसराइल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका तब उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासियाह और योआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक यो आज को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए भेज दिया। सो उन्होंने हिल्कियाह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था अर्थात जो लेवीय दरबानों ने मनश्शियों, एप्रेमियों और सब बचे हुए इसराइलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामिनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था उसको सौंप दिया अर्थात उन्होंने उसे उस काम करने वालों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए थे और यहोवा के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मत करने में लगाया अर्थात उन्होंने उसे बढ़ईयों और राजाओं को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी मोल ले और उन घरों को पाटे जो यहूदा के राजाओं ने नाश कर दिए थे और वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे और उनके अधिकारी मरारीह, यहत और ओबद्याह, लेविय और कहाती, जकरियाह, मशुल्लाम काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेविय भी थे। फिर वे बोझियों के अधिकारी थे और भांति भांति की सेवकाई और काम चलाने वाले थे और कुछ लेवीय मुंशी सरदार और दरबान थे। जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे तब हिल्कियाह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिल्कियाह ने शापान मंत्री से कहा मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्कियाह ने शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया कि जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे थे और जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उंडेलकर मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्कियाह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्कियाह शापान के पुत्र अहीकाम, मिका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री
और असायाह नाम अपने कर्मचारियों को आज्ञा दे कि तुम जाकर मेरी ओर से और इसराइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्किया ने राजा के पास और दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हस्त्रा का पोता और वस्त्रालय का रखने वाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो कि यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप चलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा के पूछने को भेज दिया है उससे तुम यो कहो कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर नवाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इस निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर नवाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरुणियों को इकट्ठे होने को बुलवा भेजा, और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों बरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीव से उसकी आज्ञाएं, चेतौनियां और विधियों का पालन करूंगा, और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। और योशियाह ने इसराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इसराइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके यहोवा परमेश्वर की उपासना कराई, और उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा।